सर ये मैंने पूछना था, ये तीन साइड्स को मिला के एक फेस बनता है। ये जो है ना, ये एक फेस है, जो एक सतह है, एक एरिया जो है ना, ये जी जैसे जी जी ये एक फेस, जी जी जैसे ढाई सतह, इसके सिक्स जी फेसेस होते हैं ना, तो जी 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 समझ जहाँ जहाँ डॉट होते हैं वो एक फेस आ होता गई, समझ आ गई सर। तो ये हमारा 3D केस है, इसमें टोटल सिक्स फेस होंगे और एक फेस पे तीन स्ट्रेसेस होंगे, दो शियर और एक जी सर, नॉर्मल। जी सर। हमने जो नॉर्मली इनकाउंटर करते हैं इंजीनियरिंग में वो प्लेन स्ट्रेस केस होता है, इस वजह से उस जो जी वाली है वो हमने शो नहीं की, बाकी सारी स्ट्रेस शो करेंगे, तो ये वाली स्ट्रेस 2D प्लेन केस ना वो बन जाएगा। और ऑफ कोर्स ये चार फेसेस पे होगा, क्योंकि अगर बाकी फेसेस लेते हैं तो उस पे लाजमी जी की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि हमने इस 2D केस में इंक्लूड नहीं कर ली। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन हो? एक स्टूडेंट ने यहाँ इस पे पूछा था कि शेयर स्ट्रेस के पॉजिटिव होने पे, उसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि आउटवर्ड नॉर्मल, यानी ये अगर फेस है इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये है, और डायरेक्शन ऑफ शेयर कि शेयर कहाँ एक्ट कर रही है, जैसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की, तो ये टा एक्स प्राइम वाई प्राइम पॉजिटिव होगा, और क्योंकि स्ट्रेस एक पेयर में एक्ट करती है तो यहाँ जो स्ट्रेस एक्ट कर रही होगी वो डाउनवर्ड होगी शियर स्ट्रेस, और ये दोनों ये वाली और यहाँ एक और जो शो नहीं की पर होनी चाहिए यहाँ, वो मिलके आप इसमें पॉजिटिव शियर स्ट्रेस बनाएंगे। जिस स्लाइड पे क्वेश्चन हो काइंडली उस पे पूछ लीजिएगा। ये हम शेयर के लिए कर रहे हैं, पहले हमने नॉर्मल के लिए किया था, और उसमें सिग्मा एफ एक्स प्राइम लिया था, यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स प्राइम एक्सिस। अब हम लेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई प्राइम एक्सिस। मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन में, इन स्लाइड्स पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जस्ट ये कि आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, आप ड्राइव कैसे करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अगर आप स्लाइड देख रहे हो इसमें मैंने बहुत से स्टेप ना स्किप किए हुए हैं, जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप वो स्टेप भी करेंगे, हैंड रिटन एग्जाम जो आपका होगा उसमें वो क्वेश्चन भी आप वो स्टेप भी आप इन बिटवीन जो स्टेप है वो भी करके शो करके दिखाएंगे।
सर इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। ये क्या होगी आप ये देख रहे हैं, ये बताएं। ये कौन सी स्ट्रेस होगी? नॉर्मल। जी बिल्कुल, और नॉर्मल होगी और ये कंप्रेसिव है तो नेगेटिव में वैरी होगी, यानी ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हम यहाँ एक्स एक्सिस लेंगे, इसके अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे, तो ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -80, ठीक है। और ये वाला जो है ये होगा सिग्मा वाई, जी जी आउटवर्ड पॉजिटिव होगा, ये सिग्मा वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव 50 होगा। एंड स्टूडेंट व्हाट अबाउट दिस शेयर? शेयर नेगेटिव हो जाएगा फिर नीचे को। एग्जैक्टली ये नेगेटिव, एग्जैक्टली, क्योंकि इसका आउट नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड शो हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा यहाँ इसमें एक्सिस लाजमी शो करने चाहिए, इसमें मैंने नहीं किया, ये गलती है, तो शायद मैंने इस पे फोकस नहीं किया, बट यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस शो करने चाहिए, अदरवाइज रीडर को पता ही चलेगा कि एक्स एक्सिस कहाँ है वाई एक्सिस कहाँ है, जैसे कि दूसरी स्लाइड में शो करें। जी यहाँ यहाँ जो ये एक्सिस शो किए हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का एक्स वाई, ये उस वक्त समझ आ सकता है जिस वक्त हम एक्सिस डिफाइन करें, तो यहाँ एक्सिस लाजमी डिफाइन होने चाहिए। अच्छा जिस वक्त ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं और थीटा -30 क्यों लिखा है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज था। क्लॉकवाइज था इसलिए, अगर मैं यहाँ एक्सिस ड्रा करूँ, अगर मैं एक्सिस यहाँ ड्रा करूँ तो ये एक्स एक्सिस होना चाहिए, ये वाई एक्सिस होना चाहिए, और ये आप शो कीजिएगा, ये पहले मैंने शो नहीं किया था, ये गलती थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? ये 25 बता दें कैसे नेगेटिव है। हमारी एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं सर, ये 25 बता दें कैसे नेगेटिव है सर, आप ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, तो इस फेस पे आउटर नॉर्मल किस डायरेक्शन में होना चाहिए? आउटर नॉर्मल इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होना चाहिए, और दूसरी डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स अगर अपवर्ड होती तो ये वाई की डायरेक्शन है, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, आउटर नॉर्मल भी पॉजिटिव और शेयर स्ट्रेस भी पॉजिटिव होती, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती, तो फिर ये पॉजिटिव होनी थी। अब इसमें आउटर नॉर्मल तो ठीक है बाहर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, बट शेयर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस वजह से ये नेगेटिव है। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? अगर एक नेगेटिव हो जाए तो दूसरी पॉजिटिव होना दूसरी भी नेगेटिव होना लाजमी है। जी पॉजिटिव होने के लिए या फिर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव होगी, ये लाजमी है दोनों के लिए। सर वो एक क्वेश्चन है उसका 9.11, उसके अंदर भी सर ऐसा ही है, मतलब कि ये अब आपने एक्स और वाई डाला ना कि उस तरफ है राइट साइड है, तो उसमें जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो अपवर्ड है और जो है ये दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस है ये सर राइट साइड पे है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होंगे दोनों। मैं नॉर्मल स्ट्रेस का पॉजिटिव नेगेटिव होना तो बड़ा आसान है, नॉर्मल स्ट्रेस का पॉजिटिव नेगेटिव होना बड़ा आसान है, कैसे? अगर तो टेंसाइल स्ट्रेस है ना, यानी बॉडी
अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है एरो, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, याद रखिए अभी नॉर्मल की बात कर, अगर अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेस विल बी पॉजिटिव और कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी नेगेटिव. ये तो था नॉर्मल का केस, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. यस सर. अच्छा अब आते हैं दूसरी तरफ, वो है शियर के लिए. शियर के लिए हमने दो एक्सिस देखनी है, डायरेक्शन ऑफ टू एक्सिस देखनी है, एक आउटर नॉर्म की, दूसरा शियर की डायरेक्शन. आउटर नॉर्मल इसमें ये होगा, देखिए ये फेस है ना, इसका आउटवर्ड आउटवर्ड किस तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, वो इस तरफ जाएगा, इस फेस का राइट फेस का आउटवर्ड इस तरह जाएगा, वो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है. एक चीज पॉजिटिव होगी. दूसरी चीज है कि जो आपकी शेयर स्ट्रेस है, जैसे ये शेयर स्ट्रेस है, ये अगर अपवर्ड हो, अपवर्ड ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होनी थी, आउटर नॉर्मल भी पॉजिटिव हो जाना था और शेयर भी पॉजिटिव हो जानी थी, तो ओवरऑल शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर होनी थी, ओवरऑल शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव कंसिडर होनी थी. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आउटर नॉर्मल तो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है, बट शेयर की डायरेक्शन जो है ना वो नीचे की तरफ हो गई है, जो कि नेगेटिव है. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. अगर इस फेस की बात की जाए, क्योंकि ये अगर शेयर है ना तो इसकी पेयर में यहाँ लगनी चाहिए शेयर, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड है तो यहाँ अपवर्ड लगनी चाहिए, ये पेयर में अपवर्ड लगनी चाहिए जी. अब इसकी ये ऐसी नेगेटिव है, ये ऐसी नेगेटिव है कि इसका आउटर नॉर्मल जो है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है, तो एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव. और ये क्लॉक वाइज गिवन है, इस वजह से ये नेगेटिव है. अगर आप यहाँ देखें, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और थीटा क्या है, नेगेटिव. बाकी जो स्टोरी है वो बड़ी आसान है, हमने ड्राइव किए हुए हैं टू इक्वेशन, ये आप रटा लगा लेना, याद कर लेना ये दो इक्वेशन 9.1, क्योंकि ये हम बार बार इसी चीज इक्वेशंस को यूज कर रहे होंगे आगे. इसमें जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है. क्या ये मुश्किल है, यहाँ क्या है ये वैल्यू, क्या वैल्यू है सर, कर्सर से शो करवाते जाए ना सर, कहाँ पे आएगी कौन सी वैल्यू, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये वाली सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है सर, -80 एग्जैक्टली. और यहाँ क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 50 मेगापास्कल प्लस जी, और यहाँ यस सर प्लस में सर सेम वैल्यू है, वही आती रहनी है सर. बिल्कुल बिल्कुल. और यहाँ क्या आएगी, थीटा की जगह थीटा -30 डिग्री आ जाएगा सर, तो 2 से मल्टीप्लाई करके -60 हो जाएगा. तो ये अगर आप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा. इसी तरह टा एक्स प्राइम वाई प्राइम का है, तो ये मतलब सारा शो किया गया है कि ये क्यों पॉजिटिव और किस तरह ली थी हमने, ये वैल्यूज पुट की आंसर आ गया. इसी तरह टा में वैल्यू पुट की तो ये आ गया. अच्छा अब आपने देखा होगा हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टा एक्स वाई तीन चीजें होती हैं, तीन स्ट्रेस होती हैं. यहाँ हमने कितनी फाइंड कर ली है, दो, एक सिग्मा एक्स प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम. अब एक रहती है जो कि सिग्मा वाई प्राइम है. सिग्मा वाई प्राइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो पहली इक्वेशन थी ना अगेन उसी में एंगल की जगह थीटा प्लस 90 पुट कर देंगे. थीटा कितना था, -30 प्लस 90, क्या आंसर आएगा, ये 60 हो जाएगा प्लस 90, तो माइनस 60 आ जाएगा सर. हाँ, जब आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 9.1 में एंगल की जगह 60 पुट करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स प्राइम की बजाय वाई प्राइम हो जाएगा. तो यहाँ आप लिखेंगे वाई प्राइम, ठीक हो गया, ये मैं शो भी किया हुआ यहाँ. यस, तो इसको फिर अगेन आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी तीसरी स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, और तीन ही स्ट्रेस हमें फाइंड करनी होती है. तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नोन हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्राइम सिग्मा वाई प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम जो है ना, ये तीनों हमने निकाल लिए. इसके बाद आखिरी चीज ये होती है कि हम इसको शो करें एलिमेंट पे, तो ये एलिमेंट उसने रोटेटिव शो कर दिया. अगर आप नॉर्मल से देखें तो ये 30 डिग्री डाउनवर्ड है रोटेटेड ना,
यानी यहाँ अगर आप देखें यहाँ यहाँ अगर एक्स एक्सिस थी तो ये उससे डाउनवर्ड यहाँ गया है यहाँ, और वहाँ फिर उसने ये कंप्रेसिव इसलिए शो की क्योंकि ये नेगेटिव थी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड इसलिए शो की कि ये नेगेटिव थी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज अहम जो थी जो मैं स्किप कर गया था वीडियो बनाते हुए, वो था एक्स एक्सिस का शो करना, ये वाली। यस सर, ये एक्स और वाई एक्सिस लाजमी आपने शो करनी है, ठीक हो गया। ये एक्चुअली सेशन मैंने ये इसीलिए रखा है कि जहाँ आपके क्वेश्चन हो आप फ्रीली मुझे आस्क कर सकें और मैं उसको उर्दू में या इंग्लिश में जैसे भी मुनासिब हो आपको आंसर दूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। इसमें कोई और फर्दर क्वेश्चन हो आप? जी जी सर, आपने जो प्रॉब्लम दी है ना सर, एक बार उनको सर थोड़ा सा समझा दीजिएगा, मतलब कि उसमें जो है 9.1 है ना सर, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा कि उसके एंगल के सर बारे में। यस सर, ये F9 91, ये है फंडामेंटल। हां यस सर, यस सर, फंडामेंटल। अगर आप यस सर फंडामेंटल प्रॉब्लम, जी जी, अगर आप इसकी वो देखें आरसीएबल को देखें ना, ये तीन वे में डिवाइड करता है प्रॉब्लम को। एक प्राइमरीली है, बड़ा इजी होता है, उसके बाद फंडामेंटल है, और फिर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन नॉर्मली इजी होते हैं, यानी ये 9-11 की निस्बत ये F9-1 इजी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ अब आपने पूछा कि इसमें मतलब क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्सिस ड्रा करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि ये क्या है, सिर्फ ये सिग्मा एक्स सिर्फ अप्लाई हो रही है, ठीक है ना सर, सिग्मा एक्स पे अप्लाई हो रही है, 500 किलो पास्कल है, सिग्मा वाई की कोई वैल्यू नहीं है, टॉ की वैल्यू कोई नहीं है, तो वो भी 0-0 हो जाएंगी। सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई 0 हो जाएंगे। एंगल अल्फा गिवन है, चार चीजें होती थी ना, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टॉ और एंगल। एंगल इसमें गिवन है, एंगल कितना है। अब ये अगर आप देखें, ये नॉर्मल एक्सिस है, इससे ये अपवर्ड जा रहा है, यानी काउंटर क्लॉक वाइज, और काउंटर क्लॉक वाइज जब जा रहा है ये ए बी बनाने के लिए, इंक्लिनेशन एट ए बी बनाने के लिए, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा थीटा। कोई क्वेश्चन? ये पॉजिटिव कैसे होगा सर, बल्कि ये देखे ना, ये आपकी नॉर्मल एक्सिस है ना, ये नॉर्मल। यस सर, नॉर्मल एक्सिस से ए बी की तरफ अगर मूव करना हो तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आप उंगलियों को कर्ल करेंगे या क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रहा है सर उसके। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पॉजिटिव है। यस सर, इसलिए थीटा पॉजिटिव है, यानी ये वाली एक्सिस अगर यहां की बजाय ऐसे होती है ना, अगर ऐसे डाउन नीचे की तरफ इधर ऐसे ऐसे अगर होती है एक्सिस ये वाली ए बी, यस सर, फिर नेगेटिव होना था एंगल, फिर नेगेटिव। सही है। तो सर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 500 किलो पास्कल, वो भी पॉजिटिव में है। हाँ, ये टेंसाइल है ना। यस, टेंसाइल स्ट्रेस जो नॉर्मल है ना, उसमें तो मसला ही नहीं है, वो तो टेंसाइल है, तो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव है। सही है। दूसरा सर हमारा जीरो है। जी जी। अच्छा, अगर आप यहाँ देख क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और एंगल जो है ओरिएंटेड क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा। यस, 60 डिग्री का है। ये क्वेश्चन मैंने बड़े इजी दिए हैं, मुझे आइडिया है, थोड़ा आप यूनिवर्सिटी से दूर हैं, तो मैंने कोशिश की सर थोड़ा सा ना इजी रखा जाए। तो ये काइंडली मुझे शाम तक ना ये दो प्रॉब्लम जो है ना असाइनमेंट की सूरत में हाथ से लिख के, और ये मुझे ना वो कर दें, सबमिट करा दें, LMS पे करा दें तो बहुत बेहतर है। अगर वो सर वैसे ही ले लें, स्कैन करके अगर आप उसमें अपना रोल नंबर लिखिएगा फाइल के नेम की जगह, ना फाइल के नेम की जगह अपना रोल नंबर लिखिएगा, रोल नंबर आगे जो है ना वो अंडरस्कोर असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, वो स्कैन करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर मुझे LMS कर पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, सही है सर। अच्छा सर, एक बार रिवाइज कर दें सारा। एक अहमद ही पूछ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स नहीं शो हो रहे। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई इशू हो, पूछना हो? सर लास्ट टाइम सारा रिवाइज कर देगा पीछे से, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूं सर। ज्वाइन की अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ 24 हैं, तो आधी क्लास तो अभी ज्वाइन ही नहीं की,
बार बार तो रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा ना सर, एक बार कर दें थोड़ा सर। अच्छा ये हमारी स्टेटमेंट ही बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा ये आप अगर आप देखें स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले हमने एक्सिस ड्रा करने थे, ये मेरी गलती थी, ये आप करना चाहिए, तो मैंने अब यहाँ ड्रा कर दूंगा एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये कंप्रेसिव है नेगेटिव होगी, ये टेंसाइल है पॉजिटिव होगी, और ये टा जो है ये नेगेटिव होगी, क्योंकि टा का पॉजिटिव होने के लिए आउटर नॉर्मल और रिएक्शन ऑफ शियर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो पॉजिटिव है। इसमें एक पॉजिटिव है दूसरी डाउनवर्ड यानी नेगेटिव है, तो इसलिए ये शेयर नेगेटिव है, एंगल क्लॉक वाइज होने की वजह से नेगेटिव है, तो इसलिए आप सेकंड पे स्लाइड पे देखें तो दो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और एंगल भी नेगेटिव है। हमारे पास ये दो क्वेश्चन है 91 एंड 92, इन दोनों में आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें ये पुट किया आपके पास आंसर आ गया। अब एक तीसरी चीज और रह गई थी सिग्मा वाई प्राइम, सिग्मा वाई प्राइम के लिए क्या करना है, अपने 9.1 इक्वेशन में ही पहली इक्वेशन जो थी उसी में बस ये कि एंगल थीटा की बजाय थीटा प्लस 90 पुट कर देना, थीटा इस क्वेश्चन में था माइनस 30, प्लस 90 करें क्या आंसर आएगा, 60। तो वो हमने यहाँ पुट किया, तो ये सिग्मा वाई प्राइम बन गया और सिग्मा वाई प्राइम की वैल्यू हमने निकाल ली। आगे हुआ लेक्चर तो ऑलरेडी है ही, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। रिजल्ट को हमने एलिमेंट पे शो करना था, एलिमेंट को 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेटेड शो किया है, ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी अगर नॉर्मली यहाँ एक्सिस थी तो उससे नीचे की तरफ ये है, और उस पे हमने जो स्ट्रेसेस की स्टेट थी वो शो कर दी है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव थी इस क्वेश्चन में। इस बार ये असाइनमेंट में आपने दी हुई है, ये आप आज मुझे शाम तक जो है वो सबमिट करा दें, तो 5-6 बजे तक। LMS पे देनी है सर आपको? हाँ मैं LMS पे अभी क्रिएट कर देता हूँ, आप वहाँ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वो इजी रहता है कि किस बच्चे ने कराई है सबमिट। ये हैंड रिटन होगी, स्कैन करके मुझे भेज दीजिएगा। यस सर, वो तो हैंड रिटन होगी। यस सर, आम पेजेस पे अपना रोल नंबर लिख के ऊपर पेजेस पे भी, और जो आप भेजेंगे फाइल उसका भी नेम जो है ना रोल नंबर के तौर पे हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक दो स्टूडेंट बोल रहे हैं, बाकी स्टूडेंट आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों ने जस्ट वो किया हुआ है, बाकी स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, चले अगर नहीं है तो हम आगे अगला पेपर। सर ये पेपर पैटर्न आपसे पूछना था, पेपर पैटर्न भी ऐसे ही होगा न्यूमेरिकल विद थ्योरी? जी जी न्यूमेरिकल होंगे ज्यादा, थ्योरी जो है वो यानी 30 मार्क्स है ना, तो थ्योरी शायद मैक्सिमम 5 नंबर की आए, लेकिन डेरिवेशन जो है वो हो सकती है, डेरिवेशन हो सकती है, न्यूमेरिकल हो सकते हैं सर, पार्ट हो सकते हैं, मतलब ए और बी पार्ट इस तरह। हां हां पहले नहीं होते थे लेकिन अब जो है ना हो सकते हैं ये। सर बात वहीं पहुंच गई जा गए कहां कि पहले भी तो इतने ही ज्यादा क्वेश्चन आते थे, फिर वही सीन हो गया। नहीं आपको टाइम ज्यादा दे रहे हैं ना, 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे है ना टाइम, पहले टाइम थोड़ा होता था आपके पास जी। और अब ये है कि आपके ऊपर कोई इन्वेजिलेटर भी नहीं है जी सर। नहीं सर हम अल्लाह का है ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले जैसे होता था ना कि इन्वेजिलेशन होती थी उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था, अब तो वो भी इशू नहीं है, तो आप एक मतलब ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ मतलब डिस्टरबेंस ना हो, कंफर्टेबल हो, हम दे सकते हैं। सर नेट इश्यूज भी तो होते हैं ना सर, कई इलाकों में कुछ एरियाज में जहाँ बच्चे हैं इस वक्त। आपका है, आपका इशू है या नहीं है? तो मेरा तो नहीं है सर, मैं तो साफ बात करूं। आप ये भी ना करें, जिसका होगा उसको हम अलग-अलग ट्रीट करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या करते हैं। मोहम्मद जमाल और हारिस भाई आप कैमरा बंद करें, आवाज कट रही है। उनका इशू होगा, उनको हम जिसका इशू होगा उसके लिए हम कोई एचओडी साहब से शेयर करके कोई देख लेंगे कि किस तरह है, क्योंकि एक आध स्टूडेंट तो आ जाता है तो शायद उसको हम अपने रूम में बुला के
अब सी आर पिछले दिनों आया हुआ था, चलो एक आध स्टूडेंट आ जाता है तो एनी हाउ अभी कोई हतमी बात नहीं है, वो देखते हैं क्या पॉलिसी बनती है। लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ज्यादातर स्टूडेंट्स का इशू नहीं है इंटरनेट के हवाले से, 90% के पास इंटरनेट अवेलेबल और वो ये कर सकते हैं। दूसरा ये कि इंटरनेट आपको जस्ट अपलोड के लिए चाहिए, डाउनलोड और अपलोड के लिए, डाउनलोड करेंगे पेपर उसके लिए और अपलोड करेंगे उसके लिए। जी स्टूडेंट्स, ये मैं पांचवा लेक्चर मैंने तैयार किया है। अभी तक हमने क्या किया था कि ड्राइव किया था नॉर्मल और शेयर की, जो मैक्सिमम नॉर्मल होती है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं और जो मैक्सिमम शेयर होती है उसको बस मैक्सिमम शेयर कहते हैं। तो ये इस लेक्चर में हमने कवर करना है। अगर आप ये देख रहे हैं अगर हम इक्वेशन 9.1 और 9.2 का एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई सिर्फ कांस्टेंट थे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो वेरी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई हमारी स्ट्रेसेस थी सिग्मा एक्स प्राइम टाउ एक्स प्राइम वाई प्राइम वो सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस फाइंड क्यों करते हैं, यानी ये जो हेडिंग है ये चीज क्या है, ये भी इसी स्लाइड में हम इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे और हम ये फाइंड करते क्यों हैं, ये दो क्वेश्चन है। अच्छा इसका ये जो सेकंड पॉइंट है ना ये आंसर है कि हम इसे फाइंड क्यों करते हैं। क्या है आंसर? इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस इट इज ऑफन इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द ओरिएंटेशन दैट कॉजेज नॉर्मल स्ट्रेस टू बी मैक्सिमम एंड द ओरिएंटेशन दैट कॉजेज द शेयर स्ट्रेस टू बी अ मैक्सिमम। असल में होता यह है कि जिस वक्त कोई एप्लीकेशन है, कोई बीम है, कहीं भी हो सकता है, हमने ये देखना होता है कि उसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां मैक्सिमम स्ट्रेस नॉर्मल या शेयर वो उसकी अलाउएबल शेयर या नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि किस एंगल पे स्ट्रेस एक्ट करे, क्योंकि यहाँ इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये वाली जो स्ट्रेसेस हैं प्रिंसिपल और शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम, इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, यानी किस एंगल पे रोटेट कर तो उसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। तो ये इसलिए हम फिर जाना ये पढ़ते हैं। अब हम इन दोनों केसेस को करेंगे। केस वन अच्छा ये निकालने का तरीका क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता है? हमने एफएससी में पढ़ा होगा आपने कि अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको इक्वल कर दें जीरो के, तो फिर उस वेरिएबल की वो वैल्यू आ जाती है जिस पे वो इक्वेशन या फिर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया है? ये इस लेक्चर की रूह है ये वाली बात। फ्रेंड्स सर एक बार काइंडली रिपीट कर देगा ये वाली बात दोबारा? हैदर आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है जी। मैं रिपीट करने लगा हूं। एफएससी में हमने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देते हैं। याद है ये बात? जी सर। अब यहाँ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? थीटा। अभी देखे ना पिछली स्लाइड में हमने क्या बात की है कि बाकी तो हैं कांस्टेंट, सिर्फ थीटा है जो कि वेरी कर रहा होता है और मैग्नीट्यूड। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट से हम ये इक्वेशन है हमारी, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो ये वाली इक्वेशन आती है, जरा गौर करें इस पे। यस मैर आप पूछें। सर ओके कर रहे हैं सर, समझ आ गई। ये रेज हैंड किया है उमेर ने।
सर समझ आ गई है सर हिस्ट्री यहाँ तक। जस्ट हमने क्या किया डेरिवेटिव ले लें, इसमें तो थीटा है नहीं, ये जीरो हो जाएगा, इसमें थीटा है तो कॉस थीटा साइन थीटा होता है, तो फर्दर ये टू आ जाएगा इसका, इसी तरह साइन का क्या होता है कॉस टू थीटा इनटू टू आ जाएगा। ये वाला मैंने क्योंकि डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखना होता है इस वजह से ये जीरो रख दिया है, ठीक है, ये देखे ना एंड सेट द रिजल्ट इक्वल टू जीरो ये लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ मैंने जीरो लिख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, और ये टेन की वो वैल्यू आएगी जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है, ये सिग्मा की बात हो रही है, सिग्मा ये इक्वेशन भी सिग्मा वाली है, देखे ना सिग्मा वाली है, तो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम होगी, और जहां नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम हो उसे कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और उस प्लेन को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन, इस वजह से यहाँ पी लिखा है, ठीक है ना, वैसे तो थीटा था, थीटा पी इस वजह से लिखा है कि ये प्रिंसिपल प्लेन बन गई है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ये वैल्यू आ गई उसकी, ये वैल्यू आ गई। अब ये आप बताएं कि ये टू थीटा पी वन एंड टू थीटा पी टू कितनी डिग्री अपार्ट होंगे, इसके दो रूट बनेंगे ना और 180 डिग्री अपार्ट होंगे, तो सिंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री अपार्ट होंगे। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताएं, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ यहां तक अगर देखें, यहां तक हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की है जिस पे ये नॉर्मल मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ठीक हो गया, थीटा अभी फाइंड किया है ना हमने, यहां से हमने क्या फाइंड किया है थीटा, अब इस थीटा को हम इसमें पुट करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू पता चले, अभी हमें सिर्फ थीटा पता चला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर ये वैल्यू हो, ये वाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर ये वैल्यू हो तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ये हम अगली स्लाइड में फाइंड करने लगे हैं। अब वो फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले यानी मैं एक मिनट पहले आपको थोड़ा, ये यहाँ हमने कहा थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ भी थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक हो गया, यहाँ से थीटा निकालेंगे वो टेन इनवर्स और वो सारा आपको पता है, समझ गए बात, वो मुश्किल वे है, आप एफएससी में करते रहे वो मुश्किल तरीका है, एक आसान तरीका भी है, वो ये है कि हम एक ट्राइंगल बना लें, जैसे ये ट्राइंगल बना ली यहाँ, और इस ट्राइंगल में टेन टू थीटा के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, टा एक्स वाई ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यानी एंगल के सामने वाली साइड टा होनी चाहिए और एडजेसेंट टू एंगल साइड जो है वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होना चाहिए, ताकि ये जो है यहाँ से अगर यानी ये अगर ट्राइंगल लें, ये वाली ट्राइंगल, इसमें आप बता सकते हैं टेन टू थीटा पी की वैल्यू क्या आएगी, वो एग्जैक्टली यही नहीं आ रही जो 9.4 में है, फ्रेंड्स ये पॉइंट आप गेन कर रहे हैं, यस सर, ट्राइंगल की समझ आ गई आपको, ये ट्राइंगल बनाई हुई है, रिपीट करते सर, सर ये अंडरवुड में जो आया है इसका क्या सर, ये जो इसके ऊपर आया टा एक्स वाई के ऊपर जो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत जबरदस्त है, ये असल में ना जो साइन कॉस वगैरह होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ये एंगल है 90, ठीक है, जब ये एंगल 90 हो और ये दो साइड ये हो तो पैथागोरस थ्योरम लगा के आपके पास ये आ जाएगी, तो फिर इसको पैथागोरस थ्योरम लगा के भी तो हल कर सकते हैं सर, वही लगा के कर रहे हैं हम, कोई लगा के कर रहे हैं, राइट लिखा है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे आ जाएगा आंसर। अच्छा ये मैं रिपीट कर रहा हूं, एक स्टूडेंट ने कहा था रिपीट करने का, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, ये कहां से आई थी, डेरिवेटिव लेके इक्वल जीरो करके वहां से आई थी ये, ठीक हो गया, ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को ट्राइंगल की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो एक ट्राइंगल मैंने बना ली यहां, इस ट्राइंगल में जो ये ऊपर वाली है ये एंगल के सामने वाली, मैं
एंगल के सामने वाली साइड जो है वो टा होनी चाहिए ऊपर वाली, यानी जो नॉमिनेटर होता है ना वो होता है, और जो ये वाली साइड है एडजेसेंट टू एंगल ये वाली होनी चाहिए डिनोमिनेटर। अगर ये दो हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं पाइथागोरस लगा के स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ ये ट्राइंगल जब बन गई यहाँ से हमारे पास कॉस 2 थीटा पी निकालना और साइन 2 थीटा पी निकालना आसान है। क्या वैल्यूज आएंगी बताएंगे कोई, साइन की क्या वैल्यू आएगी? साइन की वैल्यू के लिए ये डिवाइड बाई ये होना चाहिए, कॉस की वैल्यू के लिए ये वाली वैल्यू डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इन वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन 9.1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 9.1 है, इसमें कॉस की जगह और साइन की जगह अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर दी हमने। जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये सिग्मा 1 2 आ गया, सिग्मा 1 फॉर मैक्सिमम एंड सिग्मा 2 फॉर मिनिमम, उसकी ये इक्वेशन आ गई 9.5। सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। हमने मैक्सिमम नॉर्मल जिसको प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं वो निकालनी थी, उसके लिए हमने इक्वेशन जो थी 9.1 उसको डेरिवेटिव लिया थीटा के लिहाज से, जीरो के इक्वल पुट किया, वहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आई है 9.4 में ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में से कॉस और साइन निकालने के लिए हमने इसकी ट्राइंगल बना ली, ट्राइंगल बना के साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के बाद हमने इनको पुट कर दिया वही 9.1 में, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू, साइन की जगह साइन की वैल्यू। इसमें डिनोमिनेटर कॉमन आके ये हमारे पास आखिर में ये रिजल्ट आ जाता है जो कि 9.5 है, जो कि शो कर रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। इस स्लाइड में हमने ये पॉजिटिव वाली एक्सिस कंसीडर की थी, ये थी सिग्मा 1 के लिए, जो दूसरा केस था नेगेटिव के लिए, क्योंकि हमारे पास दो रूट बनेंगे ना थीटा पी 1 एंड थीटा पी 2, तो पी 2 वाला जो है ना यानी सेकेंड वाला उसके लिए ये नेगेटिव वाली है। वो आपको लोगों को भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये कि आप यहाँ प्लस के साथ माइनस और लिख देना ये वाला, तो दोनों केस कवर हो जाएंगे इसमें। प्लस के साथ माइनस, माइनस के लिए जो है ना ये वाली ट्राइंगल थी ये वाली। अगर आपको कोई इशू आए तो आप सर ये माइनस की जगह लिखने एक दफा फिर रिपीट कर दीजिएगा। अभी हमने सर ये समझ आ गई है, पॉजिटिव वाली सारी समझ आ गई है, पॉजिटिव आ गई, बस ये माइनस वाला। हाँ जी माइनस वाला वो ये है जो ये है ना रूट जो है ये थीटा के जो रूट हैं, ये देख रहे हैं 9.4, ये दो रूट बनेंगे, एक नहीं होगा दो होंगे, यानी एक मैक्सिमम होगा केस मैक्सिमम, दूसरा मिनिमम का होगा। अगर आप याद करें ना फैसे में भी हम मैक्सिमम मिनिमम दो वैल्यू निकालते थे जी सर, मैक्सिमम के लिए ये वाली ट्राइंगल थी और मिनिमम के लिए ये वाली ट्राइंगल थी। उन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है जी सर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जो नेगेटिव वाली है उसके लिए हम करेंगे ड्राइव करते हुए आपने जस्ट यहाँ ना पॉजिटिव के साथ यहाँ नेगेटिव और लिख देना है बस, और यहाँ वन के साथ टू लिख देना है। समझ आ गई, समझ आ गई, एक के अंदर ही हो जाएगी सर। ये सिग्मा 1 2 का मीनिंग क्या है? सिग्मा 1 मैक्सिमम, सिग्मा 2 मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक हो गया सर, हम इसे अगर एक ही प्लेन में दोनों फाइंड करने हो तो वो किस तरह करेंगे? मतलब सिग्मा 1 भी बताना है और सिग्मा 2 भी बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। बेटा इसमें ये करेंगे, इस इक्वेशन में प्लस के साथ माइनस भी लिख देंगे। अगर फर्ज करो इसकी वैल्यू जैसे ये 80 50 कोई वैल्यू अगर पुट करें आप यहाँ, तो ये दो केस बन जाएंगे ना, मतलब इस एक ये वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, तो ये दो वैल्यू आएंगी। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना आपको ये बड़ा इजीली पता चल जाएगा आपको कैसे। थैंक यू सर। अच्छा अब दूसरा केस सर, ये मैंने एक बात पूछनी थी, ये जो माइनस है ये cos वाले के साथ ही लगना है या आगे जो sin वाली वैल्यू उसके साथ भी लगना है? ये सिर्फ इधर लगना है, इधर ये यहां लगना है, सिर्फ यहां लगना है। ठीक है सर थैंक यू। वैसे यहां ब्रैकेट होनी चाहिए एक ना, यहां ओवरऑल एक ब्रैकेट होनी चाहिए सर। ये मैं आपको अगर सॉल्व करके व्हाट्सएप पे कर दूं तो आप मुझे गाइड कर देंगे कि
किस तरह के मतलब सही किए या नहीं। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे यहाँ माइनस है ना तो यहाँ भी होना चाहिए, या फिर ये कि यहाँ ब्रैकेट लगाई जाए, इसलिए मैं पूछ रहा था। जी जी नहीं आप सही पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन वैलिड है बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिस वक्त आप लिखेंगे तो वो खुद ब खुद मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज यहाँ मर्ज लिखना जरूरी है यानी यहाँ ना। जी सर ये मैं जी सर ये मैंने लिख दिया है बल्कि ठीक हो गया। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया है, वैल्यू निकाली है। कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं और मैं उसको टाइमली नहीं कर सका। एनीहाउ चलो स्किप हो गए शायद वो। अच्छा स्टूडेंट्स अभी हमने सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू तो निकाल ली है, सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू हमने निकाल ली है, और जिन एक्स प्लेन पे वो एक्ट करते हैं वो भी यानी थीटा पी वन थीटा पी टू भी निकाल ली है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जहां नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है उसी प्लेन पे उसी एंगल पे क्या शेयर की भी कोई वैल्यू आती है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 9.2, ये इक्वेशन 9.2 है अगर आप गौर करें, ये वाली इक्वेशन 9.2 में हम वही साइन 2 थीटा वही ट्रायंगल से ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपस में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि शेयर जो है एट मैक्सिमम नॉर्मल एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस पे शेयर की वैल्यू जीरो होती है। इसका मफहूम ये होगा कि No shear stress will act on principal plane. Principal plane पे कोई shear stress act नहीं करेगी। Question? कोई question? सर जी ये formula कहाँ से आया? कौन से वाला? ये वाला? Yes sir. जी. बेटा ये 9.2 है question. अगर आपने शुरू में drive की हो. इक्वेशन 9.2 याद आई? ओके सर। नो सर। इसका मतलब आपने हाथ से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की हुई, उसको प्रैक्टिस करें फिर आपको आइडिया आ जाएगा। ये लेक्चर नंबर 3 से है, लेक्चर नंबर 3 जो है ना उसमें थी ये हमने ड्राइव की थी। नहीं हो इस इक्वेशन 9.2 में हम साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट होके जीरो आंसर आता है। मतलब ये कि नो शेयर विल एक्ट ऑन प्रिंसिपल प्लेन। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? अब हम आगे मूव करते हैं। केस वन हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि प्रिंसिपल प्लेन से मुतल्लिक था, प्रिंसिपल स्ट्रेस से मुतल्लिक था यानी नॉर्मल की हम स्ट्रेस की जो है ना वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब दूसरा केस है कि शेयर मैक्सिमम कहाँ होगी हम वो फाइंड करेंगे ओरिएंटेशन। तो ये 9.2 अगेन वही इक्वेशन 9.2, इसका डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिए वही जिस तरह हमने पिछला किया था। अभी जो केस हमने डिस्कस किया है कि डेरिवेटिव लेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे वहां से एंगल आ जाएगा, एंगल को दोबारा 9.2 में ही पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम शेयर की आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव की वैल्यू में से ये 10 एस इसलिए शेयर की वजह से 10 2 थीटा एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ओवर टाउ एक्स वाई। से नेक्स्ट अगर आप जाएंगे ये इक्वेशन 9.6 आ गई, इसकी अगेन फिर आप ये ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना के यहाँ से कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। इन वैल्यूज को जब आप इस 9.2 में द्वारा पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम टाउ की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये है, ये वाली है। ठीक हो गया? This is called as maximum in plane shear stress.
ये वाली, और इसकी भी दो रूट होंगी टू थीटा एस, लेकिन जो पिछली प्रिंसिपल प्लेन का रूट थी और जो ये शेयर की रूट है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री अपार्ट होंगी। ठीक है, अगर आप ये जरा गौर करें इस पे, ये वाला एंगल और यानी 9.6 में जो एंगल है ये भी टेन है, और टेन स्लोप होता है तो याद होना चाहिए आपको, और ये वाला एंगल, इन दोनों को देखें तो सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, और नेगेटिव रेसिप्रोकल वो होता है जब एक्सिस एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। इस वजह से ये जो रूट है ना टू थीटा पी और टू थीटा एस, वो 90 डिग्री अपार्ट है, तो सिंगल जो एंगल होंगे थीटा पी और थीटा एस वो कितने डिग्री अपार्ट होंगे, 45। तो ये अगेन एक बहुत अहम कंक्लूजन है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मस्ट बी ओरिएंटेड 45 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब हमने ये देखना है कि जहां शेयर स्ट्रेस, सॉरी ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है 9.7, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है। अब हमने वो प्लेन फाइंड करनी है कि क्या इस प्लेन पे, इस ओरिएंटेशन पे जिस पे ये मैक्सिमम शेयर है, क्या नॉर्मल की वैल्यू है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इक्वेशन निकाली है शेयर वाले केस में, ये वाली जो वैल्यूज निकाली है साइन और कॉज की, इसको हम 9.1 में पुट करेंगे। ये 9.1 में पुट की तो वहां से हमारे पास सिग्मा की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, जो कि ये है, ये वाली सिग्मा एक्स पर सिग्मा वाई बाई टू, जो कि एवरेज की कलर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है वहां नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना जरूरी नहीं, जबकि पिछले केस में जहां नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम थी वहां शेयर का जीरो होना जरूरी था, ये देख रहे हैं आप। बट इस केस में जहां शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है वहां सिग्मा की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो ये आज का लेक्चर था, तो हमारे अब ये 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये मैंने पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। इट इज ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड। नहीं सर, समझ आ गई। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट ऐसा है जैसे मैथ की प्रैक्टिस से बगैर नहीं आता, इस तरह ये सब्जेक्ट भी मैथ्स की बड़ी यूजेज है, इसमें इसकी भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था, वो 9.2 इक्वेशन का शायद उसे नहीं पता था, वो अगर वो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ना सीक्वेंस से चल रही हैं। तो वैसे भी ये मैकेनिकल मटेरियल जो है ये ईजी सब्जेक्ट है, जिस तरह अभी स्लाइड बनाई है इसके बाद तो बहुत ईजी हो गया, तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जाना वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह सर, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जी सर जी फिर जी आप ग्रुप में सर स्लाइड सेंड कर देंगे, क्योंकि वीडियो से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वैसे हमने उनसे पढ़ा तो है। जो हमारा ocw.kfuat.edu.pk है ना, ओपन वेयर हमारा यूनिवर्सिटी का, उस पे मैं अपनी सारी स्लाइडें डाल रहा हूँ। सर जी ये वाले जिस पे आपने सॉल्व किया हुआ है इन स्लाइड्स को? सर ये सॉल्व वाली कह रहे हैं। ये सॉल्व वाली आज मैंने अपलोड करना था लेक्चर, वो थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से अपलोड नहीं कर सका, तो मैंने ये लाइव आपको डिलीवर कर दिया। ये भी यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, प्लस ये वहां भी OCW में भी ये लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूंगा, स्लाइड्स भी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाकी ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये मुझे शो हो रहे हैं, मैं इसका जस्ट स्निप ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए आसानी रहेगी।
सर जी सर आपने कहा था कि शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन्स पे जीरो होता है, नो शेयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। सर ये वैसे मैथमेटिकल टर्म में तो मुझे समझ आ गया, लेकिन सर मुझे कंफ्यूजन फिजिकल टर्म में हो रही है कि फिजिकल टर्म में हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम एक कार की एग्जांपल ले लें, किसकी कार की या किसी भी बॉडी की, ठीक है, तो इसे फिजिकल टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसकी एग्जांपल ले लें, मैं सॉरी आपका पॉइंट नहीं गेन कर सका। सर मैंने कहा, आपने कहा शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन से जीरो होता है, नो नहीं होता, ठीक है सर, इसकी फिजिकल एग्जांपल कोई दीजिएगा जिससे थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो प्रॉपर्ली। वो नहीं होता बिल्कुल, ये बात इसी तरह ही है। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लूँ जो इस भी सेशन में, मैं अभी आंसर देता हूँ आपके आंसर क्वेश्चन। ओके टॉपिक है मटेरियल के अंदर जाने का ना, ये मैं आप पहले भी स्टूडेंट्स को इशू होता था, ये आपके स्लाइड शो हो रही है। जी सर स्लाइड शो हो रही है आपको? जी सर। जी सर ये वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मेरे पास नहीं शो हो रही। हाँ ये चलाएं, अब शो हो रही है, लेकिन ये तो दूसरी है। जैसे बेटा ये किसका क्वेश्चन था? सर मेरा। नाम क्या है? हमजा। जैसे ये एक आपको मैंने ये अगर आप देख रहे हो, ये एक एलिमेंट शो हुआ है यहाँ, ठीक है ना, ये सेकंड लेक्चर से है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके सर। आप इमेजिन करें एक बीम है, उस पे डिफरेंट किस्म की लोडिंग एक्ट हो रही है, पॉइंट लोड भी है, यूडीएल भी है, ठीक है ना। ओके। तो उस बीम के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट जो है उसको हमने इस तरह शो कर दिया 2D एलिमेंट में कि यहाँ सिग्मा एक्स लग रही है, ये सिग्मा एक्स असल में जो लोडिंग है ना, जो फोर्सेज है उनका नेट इफेक्ट इन दिस डायरेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस की टर्म में उन स्ट्रेस फोर्सेज का नेट रिजल्ट ये है आ रहा है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस डायरेक्शन में ये आ रहा है और टॉ की टर्म में ये आ रहा है, ठीक हो गया। अगर ये वाला इफेक्ट जो स्ट्रेसेस का जो फोर्सेस का बन रहा था वो अगर किसी और इंक्लिनेशन पे हो जाए, जैसे ये एंगल थीटा रोटेट करके किया है, तो उसके बाद इस पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस की स्ट्रेट क्या हो जाएगी, यानी मैक्सिमम शेयर मिनिमम और मैक्सिमम नॉर्मल उनकी वैल्यू क्या आएंगी उस पॉइंट के अंदर। यानी इसकी एप्लीकेशन हर जगह है, हर मटेरियल के अंदर है, कि कोई भी बीम है, बीम का एक पॉइंट हमने लिया है जिस पे फर्ज करें ये वाली स्ट्रेस एक्ट कर रही थी, तो फिर वो यानी स्टेबल कंडीशन में था, उसमें कोई अनपरमिसिबल स्ट्रेसेस वाली वैल्यू नहीं आ रही थी। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसके नतीजे में यह सिग्मा एक्स यहाँ की बजाय यहाँ अगर एक्ट करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से टोटल उसकी जो है स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट वो चेंज जाएगी। तो हमने ये फाइंड करना होता है कि कहाँ मैक्सिमम प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है, यानी मैक्सिमम नॉर्मल की वैल्यू आ रही है, और किस प्लेन पे मैक्सिमम शेयर की वैल्यू आ रही है, और इन दोनों से हमने अवॉइड करवाना होता है, क्योंकि ये आने से फिर मटेरियल फेलियर की तरफ चला जाएगा।
सर ये आपकी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो पॉज हुई हुई है। वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ये वाली स्लाइड शो हो रही है सर, वो मैथमेटिकली शो हो रहा है वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम। मेरे पास कुछ और शो हो रहा है, ये हमारा जो है ना थोड़ा इशू हो गया मेरा ख्याल। चलो सर एक दफा कैमरा बंद करके दोबारा ऑन कीजिएगा। आज ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया, तो हम अरे ठीक है फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, इवन मतलब ये चीज ना मास्टर लेवल पे भी बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं होती। मैं समझाने की कोशिश की है जी सर। तो ये जो चीज है ये पेपर का हिस्सा तो नहीं है ना जी? ये पेपर का हिस्सा तो नहीं होगा ना जो आप समझा रहे थे? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत हाई लेवल की चीज है, ये तो रिसर्च लेवल का क्वेश्चन है सर। फिर हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं यही कह रहा था यहाँ वो स्लाइड शो नहीं हो रही आपके पास, मेरे पास कुछ और शो हो रही थी। तो सर ये एक बुक में सर ये एग्जांपल दी हुई है सर, उसने बीम वाली और ऊपर से सर लोड पड़ रहा और उसके जो है ना कॉर्नर पे सर क्रैक आना शुरू हुए हैं, तो ये वाली एग्जांपल आप समझा रहे थे सर, मतलब जो हमजा ने आपको सवाल किया जिसने। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिंपल एक बता रहा था कि ये मतलब इसने पूछा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर जगह है। जहाँ यहाँ स्ट्रेस एक्ट कर रही है ना, यानी जहाँ फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से अंदर यानी सॉलिड मटेरियल है, डिफॉर्मेबल है, उस पर अगर कहीं भी फोर्स लग रही है उसकी वजह से लाजमी स्ट्रेस आएगी, उस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस स्टेट होगी, स्ट्रेस स्टेट होने की वजह से उसमें नॉर्मल शीयर आएंगी, नॉर्मल शीयर आने की वजह के बाद फिर हम ये देखेंगे कि किस इंक्लिनेशन पे जो है ना वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हर जगह इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बीएससी है, तो ये इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे डिस्कस। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अच्छी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज एक दो लेक्चर और अपलोड करूंगा। एक तो ये आज कवर हो गया है, बाकी एक दो और कवर कर दूंगा ताकि हमारा मिड का सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। तो सर मैक्सिमम कितने लेक्चर होंगे सर? अभी हमारे 5 हो गए हैं मैक्सिमम, में से 3 और हो जाएंगे, 3 या 4 कोशिश करूंगा 3 हो जाए, नहीं तो 4 जी। सर ये मतलब पेपर में कितने लेक्चर्स आएंगे? पेपर आपका ना वो मैं चाह रहा हूँ मोहर सर्कल से पहले पहले सारा हो जाए। सर परसों पहला पेपर है सर, वो अगले पेपर की भी तैयारी करनी है। अब अगर आप और 3 लेक्चर अपलोड करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके लेक्चरों को भी और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये असल में सिस्टम हमारे लिए भी नया है। इवन वीडियो जो है वो पहले मैं बना रहा था, वो मुझे खुद फील हो रहा था ये सही नहीं है, इसी वजह से मेरा टाइम ज्यादा लगा है। ये पहले मैं ये सीख रहा था कि ये करना कैसे है, तो ये पहली दफा है, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ना कर सकें, और थोड़ा सा चीज़ें हैं भी इजी उसमें, तो आप लोग इंशाल्लाह ये कर लेंगे। तो डोंट वरी, कोशिश करूंगा कि संडे से आगे जो है वो लेक्चर नहीं होंगे। हाँ असाइनमेंट एक आध हो सकती है, लेकिन लेक्चर जो है वो संडे तक कम्प्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।